हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है संडे 29 मई, और आज के दिन जा रहा हूँ मैं सीलमपुर मार्केट। तो सीलमपुर मार्केट जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ की मार्केट में कैसे तोल में कपड़ा मिलता है, कैसे आप कपड़े को खरीदेंगे, कौन सी गली है जहाँ पे आपको बुकरम, धागे, लास्टिक, ये सब कुछ मिलेगा बहुत ही सस्ते दामों में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको सारी जानकारी इसी ब्लॉग में मिलने वाली है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए, अभी मैं घर में हूँ, तैयार हो गया हूँ, सुबह के 11 बज चुके हैं, तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। दोस्तों, पहुंच चुका हूं अभी मैं द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन। 12 बज चुके हैं और आपको बताना चाहूंगा बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, करीब टेम्परेचर हो रहा है 37, और अभी 12 बज रहे हैं, करीब 1-2 बजे तक जाएगा 40 के पार, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अब मेट्रो की जितनी भी जर्नी है ना, मैं ये काट दूंगा सब और डायरेक्ट सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगा। अब मैं सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल चुका हूं, अब मैं जाऊंगा सीलमपुर की तरफ शांति मोहल्ला। तो पीछे आप देखेंगे मेट्रो स्टेशन है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं मेट्रो से आ चुका हूँ, शांति मोहल्ले की तरफ जा रहा हूँ। मैं आपको अभी थोड़ी लोकेशन भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब ये लगते थे लोगों के अपने कपड़े वगैरह तोलने बेचते थे रोड पे ही, लेकिन ट्रैफिक की वजह से पुलिस वगैरह ने सब हटा दिए हैं। और आज संडे भी है तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। फिर भी मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ कि शांति मोहल्ले में एंटर कैसे करना है। देखो दोस्तों, ये रोड है जहाँ से सामने से मैं आया हूँ, और ये है नाला, इस साइड में नाला है। जब आप इधर जाएंगे तो ये है आपका, ये देखिए लिखा है पुराना सीलमपुर गाँव, ठीक है। और सामने आप देखेंगे ये जा रही है मेट्रो, ठीक है, लोकल ट्रेन भी यहीं से जाती है, और यही रोड जा रही है आपकी सीधा शांति मोहल्ले की तरफ। तो अभी हम शांति मोहल्ले जाएंगे। वैसे तो ई रिक्शा भी चलते हैं, आप डायरेक्ट मेट्रो से ई रिक्शा में बैठेंगे तो 20 रुपये वो लेते हैं, लेकिन बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे इतनी भीड़ होती है तो मैं ज़्यादा पैदल ही आता हूँ। ई रिक्शा में जब भी आया हूँ ट्रैफिक में फंस जाता हूँ, फिर भी आधा रास्ता पैदल चलना पड़ता है, कभी कभी 1-1 घंटा भी लग जाता है, इतना ट्रैफिक होता है। तो आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये नाला है राइट हैंड पे अंदर जाते हो, और ये है क्या नाम है लोकल ट्रेन का रास्ता, यहाँ से जो है दिल्ली से ट्रेनें जाती हैं। ये हम आगे की तरफ जाते हैं और यहाँ से हमें मुड़ना है लेफ्ट। आप देख सकते हैं सामने आपको गांधीनगर मिलेगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ हमें मुड़ना है शांति मोहल्ले के लिए। तो ये देखिए, अब हम लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेंगे। तो आप देखिए अभी हल्का हल्का ही ट्रैफिक है, ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है, तो हल्का हल्का ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक बहुत होता है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी गाड़ी वगैरह से तो बिल्कुल ना आए, वरना फंस जाओगे। भाई गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और मैं अभी शांति मोहल्ले की तरफ जा रहा हूँ, पहले थोड़ा ऊंचाई पे है, फिर वहाँ से सीधा नीचे की तरफ जाना है हमें। तो पूरा ब्लॉग मैं आपको दिखाऊँगा इसमें, आप देख लेना, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से कपड़ा वगैरह ले सकते हो आप। लेकिन अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, थोड़ा घूमोगे, थोड़ा टाइम दोगे मार्केट को, तो आपको एक अच्छे रेट में सारा सामान मिल जाएगा, जो भी सामान लेने आप आते हो, चाहे वो लेस हो, कपड़ा हो, बुकरम हो, सब कुछ। तो अब हम ऊपर चढ़ चुके हैं, ये है यहाँ की पार्किंग, जो कि ऑलमोस्ट फुल रहती है, कभी भी आप आओगे ज़्यादातर फुल रहती है। अब देखिए आगे जाने के बाद हमें यहाँ से राइट हैंड मुड़ना है सीधे हाथ पे, तो ये हम सीधे हाथ पे मुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं अब जो नीचे की तरफ हम उतरेंगे ना, ये आ जाएगा शांति मोहल्ला। अब हम एंटर कर रहे हैं शांति मोहल्ला। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गए, शुरू में आप देखिए यहाँ पे लैस वगैरह का, ये लैस वगैरह देख सकते हैं आप, लैसों की दुकान। ये देखो जूते चप्पल लाइनिंग की दुकान। तो अभी हम और आगे जा रहे हैं, ये देखो ये सारा कपड़ा देख लो आप प्रिंट में, ये देखो ये अभी स्टार्टिंग है, अभी हमें और अंदर की तरफ जाना है, और मैं अंदर जाऊँगा सामने वाली गली से। तो भाई ये शांति मोहल्ले की गली में हम एंटर कर चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे सूट वगैरह हर एक चीज़। ये देखो यहाँ पे आपको दुकान देखनी पड़ेगी कहाँ पे आपको कपड़ा लेना चाहिए, ये नहीं कि आप एक ही दुकान पे गए वहीं से सारा खरीद लिया, ठीक है। अगर आप बेचने के पर्पज़ से लेके जा रहे हो तो आपको दुकानें देखनी पड़ेगी। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे गाउन वगैरह लहंगे के लिए कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं। तो मैं शांति मोहल्ले में अब आपको पूरा
पूरा दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको बुकरम मिलेगी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, महंगाई तो बहुत है, अगर आपको पहचान नहीं है तो आप यहाँ पे घाटा खा जाओगे, क्योंकि तो आपको बहुत दुकानें देखनी होगी, सर्च करनी पड़ेगी। तो मैं अब जाता हूँ आपको और पूरी गली एक बार दिखा देता हूँ। एक शॉप पे रुका हूँ, तो यहाँ पे मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो देखिए भाई कटिंग कर रहे हैं, कपड़े का नाम है लाइक्रा बॉन्डिंग। और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इनके पास कौन कौन सी चीज़ें डिस्प्ले में हैं, आप सारे देखना और प्राइस भी भैया बताते रहेंगे आपको। वैसे तो यहाँ पे हर कोई नहीं देता वीडियो बनाने के लिए, लेकिन भैया ने बोला कि वीडियो बना लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाते हैं और आपको दिखाते हैं किसका क्या प्राइस है। तो ये देखिए भाई की ये शॉप है, MRK एंटरप्राइजेस, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे जो है लगे हुए हैं, इसमें आप लहंगा गाउन कुछ भी आप बना सकते हो। और मैंने अभी जो कपड़ा लिया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ पे जो कपड़े हैं ये कटिंग हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताया लाइक्रा बॉन्डिंग, भाई कटिंग कर रहे हैं। भाई अभी रोक के आप मुझे थोड़ा रेट वगैरह बता दो इनके। तो ये देखिए ये सब आप डिस्प्ले देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप इसका रेट बता दो, जो ग्रीन वाला है ये कितने रुपये मीटर है? और 450 मीटर है। थोड़ा कढ़ाई दिखाओगे यहाँ पे आके? तो ये देखिए 450 रुपये मीटर में है, ये आपका नेट में है। और इस तरीके की दोस्तों आपकी कढ़ाई है, आप देखिए काफ़ी सिप्पी का काम इसमें भरा हुआ है। शाइनिंग वगैरह में शायद आपको ठीक से नज़र ना आता हूँ। बाकी दूसरा दिखाना भाई, ये सब एक ही पैटर्न है, अलग अलग है सबका, अलग अलग पैटर्न। हाँ, ये वाला पैटर्न का बताना, इसमें आप देखेंगे तो देवदास के मोती, ये देवदास के मोती और सिप्पी देवदास है मेरे ख्याल, देवदास तो देवदास मोती है। और इसका ये देखिए काम हो रखा है पूरा बढ़िया से। और ये भी आपके सॉफ्ट नेट में है काम, इसका आप गाउन लहंगा कुछ भी बना सकते हो। ये कितने मीटर है भैया? 4.5। और ये आपका पीछे जो लगा है ग्रे में ब्लैक में, ये हाँ, इसका काम दिखाना थोड़ा, आप इसमें देखिए थोड़ा सा काम इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप देखें देवदास के मोती लगे इसमें, वही नेट है मल्टी शेड में। अगर मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से तो यहाँ पर जो है ना लाइट पड़ने पे इसकी सिप्पी में थोड़ा रंग बिरंगा जो है इस तरीके का कलर आ रहा है। तो आप देखिए ध्यान से इस तरीके का दोस्तों, ये हमारी नेट है। मैं भी इसमें से कुछ ना कुछ लेके जाऊँगा और इसी की आपको बनाना सिखाऊंगा लहंगा वगैरह। और ये है ब्लैक में, तो ब्लैक में एक अलग ही चमक है, सिप्पी भी ब्लैक है लेकिन इसकी चमक से जो है एक अलग ही चमक आ रही है। बाकी डिज़ाइन अलग आएगा, आप देख पाएंगे तो यहाँ पे देखिए सिप्पी का एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे वर्क हो रहा है। अच्छा भैया एक चीज़ और बता दीजिए आप मुझे रेट के हिसाब से, जैसे कि मान लो अगर कोई बंदा रिटेल में लेता है तो क्या प्राइस है, अगर थोक में लेता है जो होलसेल आप बताते हो उसका क्या प्राइस है, ठीक है इसके? और एक चीज़ और है, मैं भी अभी कपड़ा आगे से ख़रीद के आया हूँ तो मुझे जो है अलग ही अलग रेट मिला, तो आप मुझे बताओ कौन सा रेट मतलब बेस्ट मिलता है शांति मोहल्ले में, क्या हिसाब किताब है? जैसे होल सेल जो होता है कम से कम 10 मीटर लेने पर, हाँ वो बिल्कुल जैसे अदर से 50 रुपये कम होता है। अच्छा, जैसे मैं ये कटवा रहा हूँ, हाँ। ये वाला अगर आप क्या नाम है ये मैं होल सेल में ले रहा हूँ तो ये आप मुझे दे रहे हैं 100 रुपये, लेकिन अगर यही अगर आप रिटेल में दोगे तो कितने का होगा? 120-130। सिर्फ इतना ही फ़र्क, ज़्यादा नहीं। वैसे अगर कुछ बल्क में लें तो और प्राइस कम हो जाएगा इसका, ये क्योंकि मैं अभी थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ तो यहाँ पे अभी मेरे को 100 रुपये मिला है, क्योंकि मैं 5-5 मीटर कटवा रहा हूँ, यही इसी जगह पे मैं 50-50 मीटर कटवाता हूँ तो और ज़्यादा जो है कम हो जाता है रेट। और यहाँ पे मीटर में जब बल्क में लेते हैं ना तो वहीं पे 5-10 रुपये में इनकी जो है कमाई हो जाती है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप बल्क में लेते तो आपका फ़ायदा है, अगर आप बल्क में नहीं लेते तो शांति मोहल्ले में आने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे नोटिस कर चुका हूँ जो कपड़ा मैं 80 रुपये मीटर का ख़रीदता हूँ वो यहाँ पे 70 रुपये मिल रहा है, क्या फ़ायदा इतना किराया लगा के आने का? तो आपको बल्क में लेना हो तो फ़ायदा होगा, ठीक है। ये देखिए भैया के पास जो कपड़े हैं, ये कपड़े आप देखें, यही कौन सा लाइकरा ही है, चेक बॉन्डिंग है जो मैंने अभी ले लिया था लाइकरा का चेक बॉन्डिंग। तो ये देखिए इस तरीके के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लगे, और ये तो अभी सिर्फ एक छोटी सी दुकान ही लगा लो भैया की, हैं भैया बाकी दुकानें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, वहाँ तो परमिशन भी नहीं देंगे वीडियो बनाने की। तो ये भैया ने तो हमें बनाने की परमिशन दी, आप देख लें भैया के पास भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है। आपको भैया की मैंने जो शॉप का नंबर है वो यहाँ पर दिखा दिया है, जब भी आओगे तो आप इनकी दुकान पर आके सामान ले सकते हो। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा जो है आइटम है इनके पास।
और देखिए ये तो एक दुकान है छोटी सी, इनके गोदाम भी होंगे अलग, हर किसी का यहाँ पे गोदाम आपको जरूर मिलेगा। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे 5 मीटर 10 मीटर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर के पास जो दुकान होती है उससे 10-20 रुपये मीटर का ही फ़र्क मिलेगा और आप इतना किराया लगा के आओगे। लेकिन आप बल्क में लोगे तो बल्क में आपको बहुत अच्छी जो है यहाँ पे प्राइस मिल जाएगा। और ये शांति मोहल्ला है, साथ में गांधी नगर भी है, कभी टाइम मिलेगा तो गांधी नगर भी मैं घुमाऊँगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बल्कि हर जगह से, इसे कटर मार्केट, कत्तर मार्केट कहते हैं, यहाँ पे आपको तोल में हर एक चीज़ मिल जाएगी। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी फ्रेश में, ठीक है, फ्रेश में आपको थोड़ा महंगा भी मिलेगा, तोल में भी चीज़ होती है, तोल में भी अगर आपको नॉलेज है तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मैं आपको अभी पूरी दुकानें यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो भाई हमने यहाँ से जो है सामान ले लिया है, चलते हैं भाई, आते मिलते हैं आपसे। और भाई का बता रहे थे कि लहंगे का भी काम है आपका, तो ये अगला ब्लॉग हम इनके यहाँ पे बनाएंगे लहंगे का, क्योंकि बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे लहंगे वगैरह ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो सब वीडियो हम बाद में बनाएंगे, तो आप आराम से देख लेना। तो जिससे को किसी को पर्सनल लहंगा भी परचेस करना हो एक, वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए अब मैं इनकी शॉप पर हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप मेट्रो की तरफ से आएंगे तो टक्कर से आपको इधर आना है और ये ऊपर चढ़ के आपकी इनकी शॉप हो जाएगी। और साथ में अब देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, अब देखिए आगे की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे की तरफ जाते हुए अब जो उल्टे हाथ पे गली आएगी, गली नंबर 17, याद रखना गली नंबर 17 है शांति मोहल्ले की। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको लास्टिक, धागे, बुकरम, ये सब कुछ यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये है गली नंबर 17, हम इसमें मुड़ गए। तो आप ध्यान से देखें, मैं आपको पूरा एक एक दिखाता हूँ। मैंने आपको गली तो बता दी, गली नंबर 17, और अभी मैं गली के बाहर खड़ा हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे पूरी दुकानें दिखा देता हूँ। और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे हर कोई परमिशन नहीं देता वीडियो बनाने की, तो आप यहाँ पे आएंगे तो ये थोक में ही मिलता है, यहाँ पे रिटेल में भी देते हैं, रिटेल में महंगा मिलेगा, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। ये देखिए गली में आ गए, एंटर कर गए हम। तो यहाँ पे एंटर करते ही ये जो कपड़ा है ये है प्रेस लगाने वाला, जो आप पूछते हो कौन सा कपड़ा है। और यहाँ पर भाई साहब ये बटन का पैकेट कैसे हैं? 100 रुपये का, कितने होंगे इसे? 1000 पीस, 864 पीस, 100 रुपये का पैकेट है ये, मतलब किसी को बटन अगर लेने हो। ये है थोक की दुकान, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपको लेना है, डोरी पाइपिंग वाली, लास्टिक वगैरह, ये सब थोक में मिलेगा। ये देखिए ये सब धागे, ये सब तोल में मिलेंगे, थोक में मिलेंगे। ये बटन का पैकेट है, ये देखिए डिजाइनर बटन। भाई ये कैसे दिया एक पैकेट? ये 100 रुपये के 4 पैकेट, तो 100 रुपये के 4 पैकेट हैं। लास्ट टाइम में ले गया तो 30 रुपये का सिंगल भी दिया था मुझे, 30 रुपये का सिंगल है ना, तो 30 रुपये का सिंगल में। ये देखिए सारे के सारे बटन, कोई भी डिजाइनर बटन ले सकते हैं। वैसे आप जाओगे किसी शॉप पे तो 5 रुपये का एक पीस ही आपको देते हैं। तो ये देखिए काफ़ी बटन है, यहाँ पर आके आप देख सकते हो। ये देखो ये सब डिजाइनर बटन है।
ये देखो बटनों की दुकान है, ये देखो कितने बटन है, ये देख रहे हैं आप, ये जितने भी बटन है। कैसे अंकल ये सिंगल 25 रुपए का सिंगल, ये देखिए किसी शॉप वगैरह से आप लेते हो ना तो यही आपको कम से कम 5 रुपए का 3 रुपए का एक मिलेगा बटन। काफ़ी बटन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ये है लेस, लास्टिक। अंकल ये तोल में भी है, तोल में भी है ना, ये कैसे 200 रुपये किलो। हाँ तो ये देखिए लास्टिक ये भी आपको मिल जाएगी, तो ये लास्टिक है और यहाँ भी देखो ये लास्टिक पतली पतली, लास्टिक भी आपको तोल में मिलेगी। और मैं जहाँ से बुकरम लेता हूँ ये बुकरम भी यहाँ पर आ चुके हैं, बुकरम वाले थान पे। ये देखिए बेल्ट के रोल, बुकरम, ये सब तोल में है। भैया एक्सपोर्ट वाली बुकरम होगी अपने पास? पहले तो पता नहीं, 100 रुपये किलो में लेके गया था मैं आपसे। कितना किलो चाहिए? किलो का वो तो लास्ट टाइम ले गया था, 60 इंच का पन्ना था, होगा अपने पास। ठीक, तो ये देखो ये तोल में यहाँ पे मिल जाती है बुकरम आपको। भाई बहुत सारी बुकरम मिल जाएगी, वैरायटी आपको खुद देखना है। ये फोम है, कई लोग पोंछे में लगाते हैं, ये सब जो है तोल में मिलेगा। ये देखो ये पैड हो गए, अंदर ये बहुत है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, यहाँ पे तो आप खुद आओ तो खुद देख सकते हो। ये देखो कि चुन्नी पे कोई लगाना हो तो इसे डाई वगैरह करा के लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो ये लेस है कॉटन की, ये फट्टी वगैरह है, सेफ फट्टी, एल पट्टी, ये देखो लेस की दुकान। यहाँ से लास्ट टाइम मैं लेस ले गया था, ये गले बने हुए कढ़ाई वाले। ये देखो और यहाँ से ले जाता हूँ मैं तोल में कोन, यहाँ पे मिलती हैं कोने तोल में आपको मिल जाएगी। अगर सारी कोने तोल में मिलती है ना यहाँ पे, कम से कम 10 साल से मैं यहीं से कोन लेके जाता हूँ ओवरलोड करने के लिए, कच्ची कोन। पहले 160 थी, फिर 70 हुई, इस टाइम क्या चल रही है अंकल? 180 रुपये किलो हो गया। अभी भाई लेके आ रहे हैं, दिखाते हैं, देखो कितनी बड़ी कोन है। ये देखो ओवरलोक, ये वाली कोन, हाँ यही धागा है, ये 2.5 किलो की कोन है, 180 रुपये किलो के हिसाब से। हाँ तो हमने ये वाली साइज की जो है कोन ली है, 8 कोन का पैकेट था, इसे तोला तो ये थी 2 किलो, तो 400 रुपये में ये हमें 200 रुपये किलो के हिसाब से मिली। बड़ी वाली जो है 180 थी, बाकी उससे छोटी वाली 190, ये हमें 200 रुपये किलो में मिली है। तो वैसे ही 50 रुपये की एक कोन पड़ गई बाहर, ये इसका रेट भी जो है करीब 70-80 के आसपास होगा। तो चलिए ये देखिए हमने यहाँ से कोन वगैरह ले ली, अब देखिए बराबर में ये धागे वगैरह भी जो है यहाँ पे सब आपको तोल में मिल जाएंगे, फिर ऐसे ही मिल जाएंगे तोल में मिल जाएंगे, जैसा आप लेना चाहो। यहाँ पे आ गए पैड, ये देखो दुनिया भर के पैड लगे हुए हैं, ठीक है, ये सब फैक्ट्री वाले लेके जाते हैं ये सब धागे। आगे जो लेस वगैरह की है, उल्टे हाथ पे जाके ना यहाँ से लेस की बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ पे तो वो टाइम भी नहीं देगा ना वीडियो बनाने देगा। ये देखो अब यहाँ पे देखो आगे जाने के बाद आ रही है राइट हैंड पे जिप की दुकान, तो ऑलमोस्ट आपको सब इसी गली 17 नंबर गली में सारा सामान मिल जाएगा, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो तो बस मैंने आपको जो चीज़ें सीलमपुर में दिखा दी, कहाँ से कपड़ा लेंगे, क्या है क्या नहीं, बाकी अपनी तरफ से मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता। बाकी आप घूमते रहोगे, आपको दुकानें मिलती रहेंगी, पतली से पतली गली में भी आपको बढ़िया बढ़िया मार्केट दिखेंगी, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से माल ले सकते हो। तो भाई मैं सामान ले आया, अब मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ ये गली जो जा रही है ना पूरी आपकी शांति मोहल्ला कटरा मार्केट है, यहाँ पर आपको किसी भी दुकान पर रुको, तसल्ली से आराम से रेट लो, ठीक है, आप आराम से यहाँ पर कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, आपको जेंट्स कपड़े, लेडीज़, और यहाँ से मैंने ख़रीदा देखो ये अपना जो भी गाउन वगैरह कपड़े हैं, आपको बहुत दुकानें मिलेगी। और नेक्स्ट विजिट में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा तो किसी ने वीडियो बनाने नहीं दी, जब सामान ख़रीदूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा और बढ़िया बढ़िया जगह। तो अभी चलते हैं हम घर की तरफ, मैं बैठ चुका हूँ ई रिक्शा में, अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। और बताना चाहूँगा ज़्यादा मैं नहीं घुमा पाया आपको, क्योंकि कोई परमिशन नहीं देता था तो मज़ा नहीं आता फिर वीडियो का। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो में,
और एडिट साइज ले लिया। काफी सामान है मेरे पास जो मैंने परचेज किया है। कुछ भी नहीं बना पाया वीडियो क्योंकि इतनी गर्मी थी और मेन चीज मार्केट के अंदर घूम रहे थे, तो वहां पे एक तो इतना ट्रैफिक लगता है, दूसरी कि जो चीज मैं सोच के गया था कि मुझे ये वाला सामान खरीदना है, वहां पे इतनी वैरायटी होती है ना कि दिमाग से वो सारी चीजें हटी नहीं। फिर भी मैं जो चीज लेके आया हूँ आपको दिखाता हूँ। और आपको पहले सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आप जब भी वहां पे जाओगे ना, अगर आप जैसे मैं अभी लेके आया हूँ कपड़े, सब 5-5 मीटर के हिसाब से, तो मेरे को ये महंगा मिला है। यही मैं अगर लेता 20-20 मीटर थोड़ा और सस्ता मिलता, यही मैं लेता कि पूरे पूरे थान तो मुझे और सस्ता मिलता। और सीलमपुर मार्केट की सबसे मेन चीज है जो आपको 17 नंबर गली थी दिखानी, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके अंदर आपको लास्टिक, बुकरम, धागे तोल में, ठीक है, और आपको मतलब हर एक चीज जो टेलरिंग मटेरियल में यूज होती है ना, जिप वगैरह, हर एक चीज आपको उसी गली में मिल जाएगी, कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है। तो सीलमपुर मार्केट में आप शांति मोहल्ला में जाना, गली नंबर 17 किसी से भी पूछ लेना, डायरेक्ट वहां पे उस गली में घुसो। और वहां पे जाने के बाद भी वो आपको जो बेचता है ना दुकान वाला, वो आपको देखते पहचान जाएगा कि आप नए हो पुराने हो, तो आप कहना कि हमें शॉप के लिए चाहिए, उस हिसाब से बात करना, तो आपको जो है सस्ता सामान वहां पे मिल सकता है। वरना वो आपको वही सामान मिलेगा कि आप बुकरम यहाँ पे, आप जैसे मान लीजिए आज के हिसाब से मैं 30 रुपए की बुकरम यहाँ पे ले रहा हूँ, अब वहां पे वो बोलेगा कि ये आपको मिल जाएगी 25 रुपए मीटर। अब बताओ 25 रुपए मीटर अगर बुकरम हमें मिलेगी तो हम इतनी दूर जाएंगे क्यों लेने के लिए? कम से कम 18 रुपए मीटर मिले, 19 रुपए मीटर मिले तो समझ में आता है। तो अभी मैं जो सामान लाया हूँ आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मैं ये बैग लेके गया था साथ में, और इसी बैग में काफी सामान आ गया, आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ फैब्रिक वगैरह है, ये देखिए, ये मैं कॉटन के कुछ फैब्रिक लेके आया हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये मैंने 5-5 मीटर लिया, ये फैब्रिक वैसे तो 70 रुपए मीटर में है, लेकिन 70 रुपए मीटर में कब पड़ेगा ये, जब मैं करीब 90 मीटर का थान लूंगा। आप सोचो 90 मीटर का मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये जो मिला ना 5 मीटर काट के दिया, तो मुझे 90 रुपए मीटर के हिसाब से मिला। और अगर मैं 70 रुपए मीटर के हिसाब से लेता तो मुझे पूरा 90 मीटर का थान लेना पड़ता, 5 मीटर काट के नहीं देता, तो हल्का लिया इसलिए सस्ता मिला। दूसरा ये कलर देखिए आप, ये मैं लेके आया हूँ कि कुछ बना लूंगा, घर में यूज हो जाएंगे या गले वगैरह डिजाइन के बनाने हो, तो मैं आपको फैब्रिक दिखा रहा हूँ क्या क्या लेके आया हूँ। ये देखिए 10 पीस लेके आया हूँ, ज्यादा नहीं, एक ये लेके आया हूँ, देखिए कॉटन में सब 5-5 मीटर के हैं। एक ये कलर लेके आया हूँ, एक हमारा ये कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली चैन में होंगे, ये देखिए उसका, देखिए ये वाला सब प्रिंट फैब्रिक लेके आया, क्योंकि अभी तक ना मैं जो भी सिखा रहा था सब हमारे प्लेन है, तो प्रिंट में मैं थोड़ा लेके आया हूँ। अभी जब इसकी वीडियो वगैरह बनाएंगे तो फिर जाऊंगा अब, तो ये लेके आऊंगा खूब बढ़िया, मतलब ज्यादा कपड़े लेके आऊंगा मैं। तो ये देखिए, ये आराम से आपको बहुत बढ़िया कॉटन है, पहनो गर्मी में बहुत बढ़िया है, सर्दी में गर्मी कभी भी पहन सकते हो, ठीक है। एक ये कलर हो गया, एक हमारा ये कलर हो गया, एक ये हो गया। कलर तो इतने थे कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा कलर लूं, वहां पर जाने के बाद कंफ्यूजन, ठीक है। ये देखो ये कॉटन है, प्योर कॉटन, ये हो गया बैग खाली। और इसमें क्या है, हाँ दोस्तों, ये मैंने जो कोन ली थी तोल में, ये देखो दोस्तों ये कोन है, 8 कोन जब मैंने तोली थी करीब ये 2 किलो की थी, और मुझे 200 रुपए किलो में दी थी, 200 रुपए किलो के हिसाब से 400 रुपए मेरे को मिल गई 8 कोन, यानी 8 कोन की जो प्राइस है वो 50 रुपए में मिल गया। कोन अच्छा है, और करीब यही कोन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मैंने वहाँ से ले लिया, अगर मैं यहाँ से भी लेता हूँ, कम से कम जब मैंने बुटीक बंद करी थी आज से 1 साल पहले, तो 1 साल पहले मैं 40 रुपए की कोन लेता था, इससे पतली होती थी, और ये कौन 50 रुपए मिल गई, ठीक है। बाकी मैं ज्यादा खास नहीं जाता, वजन और लाद के लेके अपने पास ही ले लो, एक कौन लेनी है आपका 3-4 महीने चल जाती है, 3 कौन अगर ओवरलोड में लगाते हो तो क्यों आप जाओगे, लेकिन हाँ बेचने के पर्पज से अगर आप लेने जा रहे हो तो आपको चीज सस्ती जरूर मिलेगी, चीज का ध्यान रखना। ये दिखा दो एक बार, ये तो है सब कॉटन का माल, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं जो नई चीजें आपको सिखाने वाला हूँ अब अपने यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए मैं देखिए कुछ सामान और कुछ फैब्रिक लेके आया हूँ, तो कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें आपको सीखने को मिलेगी।
तो सबसे पहले तो देखिए मैं ये लेके आया हूँ कि अपने घर में कुछ बना दूंगा, इसका गाउन ये लहंगा आप देखें, ये मेरे को इस तरीके का ये कपड़ा, ये देखिए मैं ये 180 रुपये मीटर में लेके आया हूँ। मुझे नहीं मालूम बिल्कुल भी कि मैं ये सस्ता लाया हूँ या महंगा लाया हूँ, बिल्कुल भी मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर वहाँ से जो मैं फैब्रिक लेके आया हूँ तो कम से कम कुछ नहीं तो 10-20 रुपये सस्ता ही लाया हूँ यहाँ के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये 180 रुपये मीटर का मुझे मिला है तो मेरे को बढ़िया लग रहा है। यही चीज़ मैं तोल में अगर वहाँ पे सर्च करता हूँ वीरवार वाले दिन, वहाँ पे एक बाजार लगती है जो कि तोल में वहाँ पे आपको कपड़े मिल जाते हैं, ऐसे कपड़े ना आपको तोल में जब तोलोगे तो उसका वेट मेरे हिसाब से करीब 12 किलो के आसपास होगा और वहाँ पे 500 रुपये किलो में आपको मिल जाएगा, यानी 250 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। ये मैंने फ्रेश लिया है, आप अगर टोल में लेते हो ये चीज़ आपको 250 रुपये में भी मिल जाएगी, जो मुझे ये मिली है 900 रुपये में, 5 मीटर है ये। उसके बाद ये देखिए आप देख सकते हैं ये गाउन इसका, और ये देखिए मेरे हाथ देखिए, ये देखिए यहाँ पे चमकीली लग जाएगी, ठीक है, ये गोल्डन में है। और ये देखिए स्टैच, इसका स्टैच दिखाता हूँ मैं आपको, इसका अर्ज देखोगे आप तो ये तो है दोस्तों इसका अर्ज, 60 इंच का पूरा अर्ज है इसका। और ये देखो स्टैच में, देख रहे हैं स्टैच में, ये स्टैच में होता है ये इस तरीके से, ठीक है। इसके हम आपको ब्लाउज वगैरह लहंगे गाउन काफ़ी ज़्यादा चलते हैं इस तरीके के, हम सिखाने वाले हैं। तो इसी में मैं देखिए 5-6 कलर लेके आया, एक ये कलर है, एक आपका ये कलर हो गया, एक आपका ये कलर हो गया, एक आपका ये कलर हो गया, एक मैं ब्लैक में लेके आया हूँ, और दो जो मैं थोड़े अलग लेके आया हूँ, ये थोड़ा लाइन और इसमें है, आप देखें इस तरीके की शाइनिंग है वही चीज, अगर आप कपड़े को चेक करेंगे चीज वही है, ठीक है, खिंचाव वगैरह सब बढ़िया वही है। बाकी भाई इसका जो प्रिंट है ना ये कुछ इस तरीके का है, चमक देखिए आप, शायद आपको नजर आती हो इस तरीके से, ये चमक एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये देखें तो आप देख रहे हो कितना गोल्डन गोल्डन सा लग रहा है। बस मैं तो वहां गया था तो मैं कुछ लेके आना चाहिए, लेके आना था मेरे को, तो मैं ले आया और ढंग से मैं वीडियो वाकई में नहीं बना पाया। वहाँ पे किसी दुकान पे चढ़ो तो वो ये कहते हैं कि क्या नाम है, आप वीडियो मत बनाओ, और मुझे अच्छा लगता नहीं। अगर कोई वीडियो बनवाता है बढ़िया से तो वहाँ पे हम कोई ना कोई वैरायटी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप वहाँ पे जाते हो, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वहाँ पे जाते हो सीलमपुर मार्केट में, तो सीलमपुर मार्केट में आपको इतनी दुकानें मिलेंगी, मैंने आपको पूरा बता दिया सीलमपुर मार्केट का, कि अगर आप थोड़ा माल लेने जाते हो तो आपको महंगा मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा लोगे सस्ता मिलेगा, अगर ज़्यादा लेते हो अपनी शॉप के हिसाब से तो और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई दुकान से आपकी अच्छी बातचीत बन जाए, जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हो और कहते हो मतलब हमें अपने शॉप के लिए चाहिए, और वहाँ से आपको लगता है कि रेट बहुत ही बढ़िया है आपके हिसाब से, तो मैं आपको कहूँगा कि उसी दुकान वाले के पास जाके, और फिर भी एक दुकान को पकड़ो मत कभी भी, इधर उधर दुकान वालों से भी बात जरूर करो, आपको रेट अच्छा मिल जाएगा। अब देखिए ये जो कपड़ा लेके आया हूँ ना मैं, ये कपड़ा मेरे को तो मिला वहां से 100 रुपये मीटर, ये वाला 120 है, लेकिन एक दुकान वाले ने जिससे मैंने कॉटन का फैब्रिक खरीदा है जितना भी है, ये बता रहा था कि आप अगर रुक जाओगे तो मैं ये चांदनी चौक से मंगवा दूंगा और 80 रुपये मीटर के हिसाब से मेरे से ले लेना, मेरे को मिलेगा 50 रुपये मीटर के हिसाब से। अब उसकी क्या बातचीत है आगे, मैंने वही बोला ना उसकी क्या बातचीत है आगे, कह नहीं सकते, लेकिन उसने 80 रुपये का मुझे ऑफर दे दिया था इसके लिए। अब सोचो अगर यही मैं अगर 100 मीटर लेता हूँ और 20 रुपये के हिसाब से, तो आप लगा लो 100 को 20 से 2000 रुपये का सीधा सीधा फर्क हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।